नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह आजाद और आप देख रहे हैं माय करियर डॉक्टर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे चाइनीज बेम्बू ट्री के बारे में, जो कि अपने आप में एक सुपर मोटिवेशन है। दरअसल इसे जानने के बाद मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया। आशा करता हूं ये आपकी समस्याओं का समाधान तो नहीं, लेकिन उनसे लड़ने का और झेलने का साहस देगा। दरअसल ली नामक एक किसान चाइना के एक छोटे से गांव में रहता था, जिसके पास जीवन यापन के लिए जमीन के कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे। परिवार में एक बूढ़ी माँ, दो बच्चे और एक पत्नी थी। गांव के अन्य किसानों की तरह ली जीवन यापन के लिए धान गेहूं की फसलें उगाता था और उसे खाकर निर्वाहन करता था। एक दिन ली को चाइनीज बेम्बू ट्री के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि अगर इसकी खेती की जाए तो इंसान धनवान बन सकता है, लेकिन पेशेंस रखना होता है। बस क्या था, कुछ अलग करने के रोमांच में ली ने उन चाइनीज बेम्बू ट्रीज के सीड्स को एकत्रित किया, लाया, पैसे जमा कर खरीद कर। लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें लगाने से मना कर दिया। बोला कि देख, बेवकूफी होगा ऐसी चीजों को करने में, जिसे हमने कभी नहीं किया है। लेकिन ली ने किसी की एक भी नहीं सुनी और अपने कुछ खेतों में उन्हें लगा लिया और पानी देना, फर्टिलाइजर देना शुरू कर दिया। गांव के अन्य किसान 6 महीने में अपनी फसल काट चुके, लेकिन ली के खेत से कोई भी फसल बाहर तक नहीं निकला, छोटा सा पौधे का बच्चा भी नहीं निकला। लेकिन ली को विश्वास था, वो लगातार पानी देता रहा और गांव के लोग ताने। मानसी द माउंटेन मैन की तरह गांव के लोग कहने लगे कि तू पागल है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो पैसे तुमने लगाए वो बर्बाद हो गए। लेकिन ली बिना कुछ सोचे समझे उन पौधों में, उन सीड्स में पानी डालता रहा। कभी कुरेद कर ये भी जानने की कोशिश नहीं करी कि सीड से पौधे बाहर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उसको विश्वास था। दोस्तों, इधर पत्नी भी ताने देने लगी, घर परिवार की स्थिति जो है वो माली स्थिति दयनीय होने लगी। लेकिन ली अपने कर्तव्य पर डटा रहा, जैसे तैसे परिवार को भी वो चलाता रहा। 1 साल हो गए लेकिन जमीन के नीचे से कुछ भी नहीं निकला। 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, लगातार पानी देता रहा, फर्टिलाइजर देता रहा, जमीन के नीचे से कुछ नहीं निकला। दोस्तों, 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए दोस्तों, लेकिन जमीन के नीचे से कुछ नहीं निकला। और गांव के लोगों ने तब तक उसे पागल घोषित कर दिया था। लेकिन 5 साल के बाद जैसे चमत्कार सा हुआ और जमीन के नीचे से कुछ छोटे छोटे अंकुरित पौधे निकले। लेकिन आने वाले 42 दिनों, 6 हफ्तों में वो जो प्लांट्स थे चाइनीज बेम्बू ट्री, वो बढ़कर 80 फीट हो गए केवल 42 दिनों में। आप लगा लीजिए 45 दिनों में 2 फीट के हिसाब से पड़ रहे। ऐसा माना जाता है कि वो ट्री एक दिन में 2 फीट यानी कि 40 मिनट में 1 इंच जो है वो बढ़ जाता है, धीरे धीरे धीरे। अगर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। अब ली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी भक्ति सफल हो गई, उसकी साधना सफल हो गई और गांव के लोगों के जमान पर ताला। सीखने की चीज ये है कि 5 साल तक जमीन के नीचे वो चाइनीज बेम्बू ट्रीज के जो पौधे हैं वो अपनी जड़ें मजबूतें करता रहा, ताकि आने वाले समय में जब उसका तना आगे बढ़े पौधा, तो उसके भार को वो थाम सके। और एग्जैक्टली उसने थाम लिया। आपने भी कोई बीज लगाए होंगे, जरूरत है आपको उसको पूरे ईमानदारी से करने की, पढ़ने की, अपनी ड्यूटी करने की, अपना बिजनेस, अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने की, ईमानदारी से कार्य करने की और लगातार पानी और फर्टिलाइजर देने की। अगर ये आप देते रहे तो कर्म कीजिए, बस फल की चिंता मत कीजिए, वो तो अपने आप देगा और जिस दिन देगा छप्पर फाड़ कर देगा। यही एग्जैक्टली उस किसान के साथ हुआ। दरअसल 3-3.5 साल पहले मैंने भी एक चाइनीज बेम्बू ट्री का बीज लगाया गेजर रोड भंगेल नोएडा में, और मैं रोज उसमें पानी और फर्टिलाइजर डालता हूं। मुझे भी पूरा यकीन है उस किसान ने केवल 5 साल दिए, मैं 10 साल दूंगा, 7 साल और। पेशेंस रखिए, जब आप अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे तो आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा, और जब आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा ना, पेशेंस अपने आप आ जाएगा। फिर आप दुनिया की परवाह नहीं करेंगे कौन आपके बारे में क्या बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है, आप तो बस अपनी भक्ति में लगे रहेंगे। और ईश्वर अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करता है। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे हैप्पी, बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।